हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षीज क्रिएटिव कॉर्नर। और देखिए, दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है, तो क्यों ना इसी दिवाली को फेस्टिवल को देखते हुए आप लोग के लिए एक DIY बनाया जाए। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम एक CD ले लेंगे और एक ग्लिटर शीट। आप कोई भी कलर के ले सकते हैं, मैंने गोल्डन कलर के लिया है और ये सेल्फ एडेसिव है। कुछ मैंने बीड्स लिया है और कुछ लेसेस एंड कुछ पॉम पॉम। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम CD को रख के सर्कल शेप दे लेंगे। इसके बाद इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको हम CD में पेस्ट कर देंगे। एंड नेक्स्ट एक छोटा सर्कल ले रहे हैं हम। इसके लिए मैंने पिंक कलर की ग्लिटर शीट से लिया है और फिर इसके बाद में इसको भी मैंने CD के ऊपर पेस्ट कर दिया है। एंड अब मैं ग्लू गन की हेल्प से टी लाइट को डेकोरेट करने जा रही हूँ। तो इसके लिए आप कोई भी, आप चिपकाने वाला कुछ भी, आप फेविक्विक और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ग्लूज आते हैं, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसको पेस्ट कर दिया है। और देखिए, ये लेस सिंपल सी आती है, बहुत लो कॉस्ट पे है ये आपका DIY बन रहा है और इजी एंड क्विक DIY है। इसीलिए ये बहुत छोटा सा DIY आपके लिए मैं लेके आई हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी इसमें कोई भी टाइम ना लगे बनाने में। तो देखिए, फिर इसके बाद में मैंने ये सेल्फ एडेसिव, ये स्टिकर्स आते हैं जो कि स्टेशनरी की शॉप में मिल जाते हैं, ईजिली मिल जाते हैं, 15-20 रुपये का ही एक होता है। इसकी एक मैंने स्टिक इसमें चिपका दिया है। और अब देखिए, मैं इसको पॉम पॉम से थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ, फिर कुछ मैंने फ्लावर्स लगाया इसमें एंड फिर एक पॉम पॉम लगाया। और देखिए, धीरे धीरे ये देखिए डेकोरेट होता जा रहा है। इसके बाद में हम कुछ बीड्स लगाएंगे। इस तरह से पूरी बीड्स हम लगाते चले जाएंगे। अब मैं एक लीफ शेप कट कर रही हूँ, जो कि ग्रीन कलर की ग्लिटर शेप पे मैंने कट किया है, और अब इसको भी मैं इसमें पेस्ट कर दूंगी। एंड देखिए, बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है। आप भी बनाइए, लो कॉस्ट DIY है ये। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस दिवाली इस तरह का DIY बनाएंगे, तो बनाइएगा आप लोग भी। अब चलते हैं अपने दूसरे DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने कुछ टी लाइट कैंडल्स ली हैं एंड कुछ ये स्टिकर्स लिए हैं मैंने, जो सेल्फ एडेसिव हैं, एंड लेस एंड टेप डेकोरेटिव वाला एंड ग्लिटर। इन सब चीज़ों से हम अपनी टी लाइट कैंडल को डेकोरेट करेंगे। तो चलिए फिर बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कैंडल में ग्लू पेस्ट कर लेंगे एंड इसके बाद हम इसमें देखिए डेकोरेटिव लेस लगा देंगे। देखिए, ये हमारा एक पैटर्न रेडी हो जाता है। मार्केट में बहुत तरीके की लेस आती हैं, 10 मीटर इजीली आपको मिल जाएंगी। तो आप भी जैसी आपको पसंद हो आप ला सकते हैं। मेरे पास ये रखी थी तो मैंने यूज़ कर ली। एंड ये सेल्फ एडेसिव स्टिकर है, देखिए इसको भी ईजिली निकालना, और इसको भी हम एक अपनी टी लाइट कैंडल में पेस्ट कर देंगे। इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल ईजिली ये बन जाने वाला DIY है और बिल्कुल लो कॉस्ट ये DIY है। तो देखिए, इसमें पेस्ट कर लिया मैंने इसको। देखिए बन के कितनी सुंदर लग रही है ना। ये हमारा दूसरा पैटर्न रेडी हो जाता है। एंड थर्ड पैटर्न के लिए हम तीसरी कैंडल लेंगे और इसमें भी देखिए हम कुछ स्टार्स लगाएंगे। देखिए, ये थर्ड पैटर्न भी हमारा रेडी हो जाता है। और ये देखिए, अब हम लेंगे फोर्थ पैटर्न के लिए फोर्थ कैंडल। इसके लिए हमने इसमें फेविकोल लगा लिया है और देखिए अच्छे से इसमें हम ग्लिटर को स्प्रिंकल कर लेंगे।
अच्छे से हमें स्प्रिंकल करना है और जो एक्स्ट्रा है हमारी वो नीचे अपने आप गिर जाएगी। जो वेस्टेज होता है अपने आप नीचे निकल जाएगा। और ये देखिए हमारी जो है फोर्थ कैंडल भी रेडी हो गई। एंड फिफ्थ पैटर्न के लिए हमने देखे ये डेकोरेटिव टेप लिया है और इसको हम इसमें पेस्ट कर देंगे। और देखिए इजीली कुछ भी इसमें नहीं, कोई भी कॉस्ट नहीं है ज़्यादा और कोई मेहनत भी नहीं है। बहुत जल्दी बहुत ही क्विक एंड इजी बन जाने वाला ये DIY है। और देखिए ये कैंडल भी हमारी रेडी हो गई। तो इस दिवाली आप लोग भी इस तरीके की कैंडल्स डेकोरेट करिए, तो आप भी बनाइए इस दिवाली इस तरह के DIYs। और आपको अगर मेरा DIY पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो फिर मिलेंगे अपने इसी और तरीके के DIY के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।